हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं जयंत मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पे। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, रिव्यूज़ भी पढ़ने को मिले काफ़ी सारे के, मतलब कमेंट्स में मार्क्स और सारी चीज़ें कि एसएससी सीएचएसएल 2017। देखिए वेट, हम सबको पता है कि डेट तो डिक्लेयर हो चुकी है, बट वही है ना कि ऐसी सिचुएशन में वेट नहीं होता, क्योंकि हम लोग लगभग जितने भी हैं एस्पायरेंट्स वो लगभग 1.5-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब होगा अब होगा। अब जो डेट पता चलती है तो एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है लोगों को कि ऐसा क्या रहेगा, मतलब कट ऑफ क्या जा सकता है। और ख़ासकर जो एज वाले हैं, मतलब 199 गया था जनरल का कट ऑफ, तो उसमें जो एज वाले हैं मतलब 203 या 204 के अप्रॉक्स वाले जो हैं, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि क्या होगा रिजल्ट में, कट ऑफ इतना गया है तो फाइनल कितना जा सकता है और बाकी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो देखिए अभी RTI फाइल की गई थी कुछ रीजन्स की, सबकी तो हालांकि नहीं हुई, बट सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न, ये तीन रीजन्स की RTI के रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, जिसमें SSC ने रिप्लाई करके बताया है के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉल किया था और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए, मतलब एब्सेंट का परसेंटेज हमें पता चला। तो हालांकि कट ऑफ का एक वीडियो मैं बना चुका था पहले ही, बट हुआ क्या कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट स्टूडेंट्स के बारे में पता चला उससे काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था लगभग 15-20% इतने नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। कितने देखिए देखते हैं हम लोग, देखिए अगर मैं बात करूं सेंट्रल रीजन की, तीन रीजन्स के हमें पता चले जैसा मैंने बताया, सेंट्रल, ईस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन। तो सेंट्रल रीजन में कॉल किया गया था 10,534 स्टूडेंट्स को और यहां पर प्रेजेंट हुए 6773। ये नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से आप एब्सेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कितने थे, ठीक है। ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें सो 3119 और इसमें से प्रेजेंट हुए 1617 नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स ईस्टर्न रीजन के। सदर्न रीजन की बात करें तो 1910 और इसमें से प्रेजेंट हुए 929। तो आप सम करके एक एवरेज निकालिए, तो एवरेज नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स का आ रहा है लगभग 60% और 40% स्टूडेंट थे वो हमारे एब्सेंट रहे इसमें। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना। देखिए ये सारी चीजें हो गई क्या कि 60% प्रेजेंट थे, 40% बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई छोटा नंबर नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके अलावा एक तो ये बड़ा फैक्टर हो गया जो 40% एब्सेंट रहे वो, उसके अलावा जो मैंने पहले वीडियो में भी हमने बताया क्या कि जो टाइपिंग में आपकी बार थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, क्या टाइपिंग में चेंजमेंट क्या हुआ, मैंने बताया कि पहले जो आपको पेज मिलता था उसमें 1850 की इंप्रेशन वाले ही वर्ड्स मिलते थे, केवल उतना ही मिलता था, आपके पास टाइम रहता था एरर इंप्रूव करने का, आपकी सब में नहीं, ये शिफ्ट्स में चेंज है ये याद रखिएगा, सबके साथ नहीं हुआ ऐसा, कुछ को ऐसा मिला है बट ज़्यादातर को वो पेजेस मिले हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स थे तो वो पूरा टाइप नहीं कर पाए, जो जो मिस्टेक्स थी उनको वापस में जाके इम्प्रूव भी नहीं कर पाए, सही भी नहीं कर पाए, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो टाइपिंग में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव जा सकता है, क्यों, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो एरर परसेंटेज है वो काफ़ी इसमें इफ़ेक्ट डालेगा। तो एक ये फैक्टर हो गया, तो ये दोनों फैक्टर के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ जो है कितना रहने के चांसेस है। मैंने लास्ट वीडियो में कट ऑफ आपको बताया भी था कि चांसेस क्या हैं, क्या रहेगा कट ऑफ, कितने में आप सेफ होंगे CHSL 2017 में LDC लोअर डिविजनल क्लर्क या पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कितने में आप कैपेबल होंगे, ये सारी बातें मैंने बताई थी। बट ये जो फैक्टर, ये जो रिकॉर्ड निकल के आया है RTI के थ्रू, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजमेंट आएंगे इसमें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि क्या क्या चेंजमेंट होंगे इन सारे फैक्टर्स के वजह से। और अब जो मेरे अकॉर्डिंग है, जितने भी मुझे बच्चों ने मैसेज करके बताए हैं नंबर, देखिए ये लगभग 800 से 900 बच्चों का डाटा है, ठीक है, आप मेरे पहले वीडियो पे देख भी लीजिएगा जाके, वहाँ पर कमेंट में मिल जाएंगे, मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके मार्क्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ जो कट ऑफ जा सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, अगर आप टाइपिंग पास हैं, ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप टाइपिंग पास हैं, क्यों, टाइपिंग फेल है तो ये CGL नहीं है,
सी एच एस एल है, अगर आप टाइपिंग फेल हैं तो मार्क्स आपके कितने भी हों आप फेल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप टाइपिंग पास हैं तब आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो यू आर ओबीसी, एससी और एसटी, इनकी अगर हम बात करें तो देखिए फाइनल टीयर टू का कट ऑफ गया था 199, और ये जो 40% एबसेंट स्टूडेंट्स और बाकी सबको इंक्लूड कर लिया जाए फैक्टर्स को टाइपिंग वाले, तो मेरी समझ से 205 to 208 ये परफेक्ट कट ऑफ होगा, इसी के बीच में जाना चाहिए 100%, 205 से 208 के बीच में ही जाएगा फाइनल कट ऑफ 100%। तो 205 से जो कम है उनके चांसेस में, ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है बट हाँ कम है आपके मार्क्स, क्योंकि देखिए 4-5 नंबर तो इंक्रीज होना ही है यार, नॉर्मल सी बात है, कितने भी एबसेंट हो जाए कोई भी फैक्टर हो जो वहां जाता है टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करके ही जाता है, और वही है जो एबसेंट हुए, एक सोचने वाली बात है कि जो 40% ऑफ स्टूडेंट्स जो एबसेंट थे इधर, आप खुद सोचिए जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो खुद क्यों एबसेंट होगा जानबूझ करके, तो इनमें से 90% इस 40% का जो 90% थे उनकी कैटेगरी 200 to 204 के अप्रॉक्स ही थी या होगी, इतना तो आप कॉमन सेंस से खुद ही सोच सकते हैं, जिसके नंबर कम होंगे वही तो छोड़ेगा कि यार हटाओ होना है नहीं, क्या करेंगे टाइपिंग जाके फालतू में, तो ये वो कैटेगरी, तो मतलब अब जितने बचे वो अच्छे मार्क्स वाले ही बचे, तो जनरल का कट ऑफ 205 to 208 जाने की संभावना है पूरी पूरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो एनालिसिस के हिसाब से 199 to 202 ये जा सकता है ओबीसी का कट ऑफ 100। देखिए यूआर के बारे में तो मैं वही है कि पूरा तो नहीं बोलना चाहिए बट 100% श्योर हूं आप फाइनल मेरिट आने दीजिए, इसी के बीच में ही आएगा कट ऑफ, मैं लिखित दे सकता हूं, लिखित तो दे रहा हूं आपको, बोर्ड में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एससी और एसटी की बात करें तो इनका जो डिफरेंस है जनरल और यूआर में, सॉरी ओबीसी और यूआर में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं गया है, इनमें बस 4-5 नंबर का ही फर्क रहता है, एससी एसटी में हाँ फर्क आ जाता है। तो एससी की अगर बात करें तो 184 से लेकर के 188 ये उम्मीद है एससी का कट ऑफ जाने की, और एसटी की बात करें तो 176 to 179 ये एसटी का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो इसको आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आप जब फाइनल आंसर मेरिट आएगी तो बाकी तीन में मैं उतना श्योर नहीं हूँ बट यूआर का आप कट ऑफ देख लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ इसी के बीच में रहेगा 205 से 208 के ही बीच में रहेगा 101%, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो सारे कट ऑफ्स की बात हो गई, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इसमें हैं तो बढ़िया है, मिठाई बांटिए, अभी तो नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए जब मेरिट आ जाए तब। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम स्टडी। अगर कुछ आपको भी मतलब इससे अप्रूव हो कि नहीं, यहाँ लग रहा हो सही है, ऑथेंटिक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। गुड बाय।